जी इंजीनियर असलम अलीक साहब, आप यहाँ आए और आप प्राइम न्यूज़ 18 चैनल में बतौर आप अभी पहुँचे हैं। तो यहाँ किशनगंज पहुँचने के बाद, इसमें किशनगंज पहुँचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। मैं ये आपसे सवाल है, हमारा पहला सवाल है कि आप दिल्ली में, दिल्ली से अभी आप किशनगंज पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जितनी भी जो अभी जो लगातार जो मतलब प्रदर्शन वगैरह या जो भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है शाहीन बाग वगैरह में, महिलाएं लगातार बैठी हुई है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं दिल्ली में जो भी प्रोटेस्ट जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और शाहीन बाग में हो रहा है उसके बारे में आपको बताऊँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CAA कानून जो पास हुआ पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, उसके बाद यकीनन इस मुल्क में इस तरह का माहौल बनना लाजमी था। जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स, छात्र और छात्राएं प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस ने छात्राओं के हॉस्टल में, लाइब्रेरी में जाकर के जिस तरह से बर्बरता की है, जिस तरह से जुल्म ढाया है, वो तमाम चीजें, वो तमाम वीडियो की शक्ल में आप लोगों के सामने मौजूद है। यकीनन जब वो वीडियो हम लोग देखते हैं या आप लोग देखे होंगे, तो हर आदमी का जिस्म का एक एक हिस्सा कांपता है और कहता है कि ये जुल्म किस बात की है जो छात्र और छात्राएं, आने वाला मुस्तकबिल का, आने वाला हिंदुस्तान का एक पिलर है, उनके साथ इस तरह की बर्बरता और जुल्म क्यों हुआ है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो प्रोटेस्ट 32वां दिन से लगातार चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को कामयाब करने के लिए वहां के स्टूडेंट्स, वहां के फैकल्टी मेंबर्स, वहां के नॉन टीचिंग स्टाफ्स, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दिल्ली की जितने भी नागरिक है वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं। और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट का क्या कहना, उस एजिटेशन का, उस सत्याग्रह का क्या कहना, जिनको हमारी माँ और बहनों ने, जिनको उस औरतों ने एक तरह से सत्याग्रह का शक्ल दिया है। लगातार 32वां और 33वां दिन से शाहीन बाग, जामिया नगर और दिल्ली की औरतें उस जगह मौजूद है 24 घंटे, इस कड़ाके की ठंड भर मुस्तैदी से। उन औरतों का क्या मांग है, उन तीन दादियों का जिनका एक चैनल में इंटरव्यू आया था, जिनका एक चैनल में काफी अच्छा डिबेट आया था, उन लोगों का क्या मांग है? आज हिंदुस्तान के रोड पर, सड़क पर, गली पर, हाट पर, बाजार पर, हिंदुस्तान के तमाम शहरों में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका क्या कहना है? ये कहना ये है कि क्या ये जरूरत पड़ी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक ऐसा काला कानून लागू किया है जिसमें हमको और हमारे तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिकों को फिर अपनी नागरिकता होने का, अपनी नागरिकता कहने का सबूत दिखाना पड़ेगा। जी जी, अब आप किशनगंज पहुंचे हैं, यहां पहुंचने के बाद काफी सारे धरने प्रदर्शन में आप शामिल हुए हैं और लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, तो इस संबंध में जो भी आपका योगदान रहा है वो लोग देख रहे हैं, आवाम चूंकि आपको वो नजदीकी से जान रही है कि असलम अली से काफी उम्मीदें हैं लोगों को, तो अब यह माना जाए कि आपके आने के बाद एक आपके द्वारा एक बड़े पैमाने पे एक जितने भी तहरीक यहाँ पे चल रहे हैं तो उसमें आपका योगदान बड़े पैमाने पे होगा और आपका जो एक आपकी जो पहचान है लोगों में वो आप उसमें खड़े उतरेंगे और NRCCA और NPR के खिलाफ में एक कड़ा विरोध आपके द्वारा होगा। यकीनन, क्योंकि मैं इस माटी का बेटा हूँ, इस मिट्टी का रहने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ की याद खींच लाई, क्योंकि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट है वो परिपक्व हो चुका है। दिल्ली का प्रोटेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से तमाम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। मुझे किशनगंज की याद, मुझे सीमांचल की याद यहाँ खींच लाई है। मैं जानता हूँ कि सीमांचल में भी, किशनगंज में भी लगातार उसी दिन से, उसी तरह से बड़े पैमाने पे एजिटेशन, प्रोटेस्ट, धरना चल रहा है और तमाम लोगों ने, यहाँ के अवाम को, यहाँ के तमाम लीडरान को, यहाँ के तमाम नौजवानों को, युवाओं को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि तमाम लोग अपने दल को, अपनी सोच को और अपने तमाम चीजों को भुला करके
तमाम लोगों ने यह तय किया है कि हमारा झंडा सिर्फ एक है, हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ एक है, हमारी किताब सिर्फ एक है और वो किताब हमारी संविधान है। अगर हमारा कोई झंडा है तो वो हमारा तिरंगा झंडा है और हम तमाम ऊंच नीच को भुला करके, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को हम एक साइड रख करके आज इस काला कानून के खिलाफ, इस सीए के खिलाफ, इस एनपीआर के खिलाफ और जो आना वाला एनआरसी है उसके खिलाफ एकत्र होकर, जमा होकर लगातार उसी दिन से यहाँ के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, जो धरना कर रहे हैं, मैं उन तमाम जगहों में शामिल होने के लिए उन तमाम जगहों के लोगों को, सीमांचल के तमाम जनता को, सीमांचल के तमाम युवाओं को अपना समर्थन देने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होने के लिए मैं आज 10 दिन 15 दिन के लिए मैं यहाँ का दौरा कर रहा हूँ और मैं सब जगह एक कर करके जहाँ तक मैं जा सकता हूँ हमारी मौजूदगी दर्ज कराऊंगा, अपनी बात रखूंगा सीए के बारे में, काला कानून के बारे में, एन पीआर के बारे में, एनआरसी के बारे में मैं अपने जनताओं को बताऊंगा कि ये कानून कितना खतरनाक है, ये कानून कितना बेहुदा वाला है, ये कानून कितना गैर कानूनी है, ये कानून कितना गैर आयनी है, ये तमाम चीजें मैं अपने अवाम को, अपने जनता को बताने आया हूँ। जी, देश के जैसे मौजूदा हालात हैं, सारा एक स्तर जो है कुछ न कुछ जीडीपी वगैरह भी उसमें कमी आई है, तो ऐसे हालत में एनआरसी वगैरह की बात गृह मंत्री साहब और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी ला, उनके द्वारा जो भी बयानात आ रहे हैं कि आवाम जो है वो दिग्भ्रमित ना हो और उनको कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे मामले पर आपका क्या बयान है? देखिए, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए मैं इस यहाँ की आवाम को, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को सलाम करना चाहता हूँ। जब इस मुल्क में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया, हिंदुस्तान की जनता चुप रही। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान में जीएसटी लागू किया, 130 करोड़ जनता चुप रही। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने पार्लियामेंट में, संसद में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला, 130 करोड़ जनता खामोश रही। जब नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के औरतों को भड़काने के लिए, मुसलमानों के औरतों को तोड़ने के लिए, मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ट्रिपल तलाक कानून पास किया, मुसलमान खामोश रहा। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करा दिया, हिंदुस्तान का मुसलमान चुप रहा। जब 370 को हटा दिया गया, कहीं जगह कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, हिंदुस्तान का 130 करोड़ जनता चुप रहा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के संविधान को छेड़ने की, हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की अनाउंसमेंट किया, उस वक्त हिंदुस्तान का 130 करोड़ जनता खामोश नहीं रहा, चुप नहीं रहा। रोडों पे, सड़कों पे, गलियों में, हाट में, बाजार में, हर जिला में, हर शहर में बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया, एजिटेशन किया और धरना प्रदर्शन किया। क्यों किया? आज हम कुरान को बचाने के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए, अपनी हदीस को बचाने के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई ना हिंदुस्तान के हिंदुओं का है, ना ये लड़ाई हिंदुस्तान के मुसलमानों का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। ये लड़ाई 130 करोड़ हिंदुस्तान के जनता का है। ये लड़ाई संविधान को बचाने का है। मुझे पता है कि जब हिंदुस्तान का संविधान बचेगा तो हम कुरान भी बचा लेंगे, हम बाइबिल भी बचा लेंगे, हम गीता को भी बचा लेंगे, हम अपने देश को बचा लेंगे, क्योंकि ये लड़ाई संविधान को बचाने का है। जब तक संविधान नहीं बचेगा, जब तक हम संविधान को नहीं बचाएंगे, हमारा देश नहीं बच सकता है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार क्या समझती है कि जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे? 303 एमपी लेकर के वो ये बिल पार्लियामेंट के लोकसभा से पास करती है और 125 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर के जब ये बिल राज्यसभा से पास करती है, यकीनन वो दिन बहुत करीब है जब 30 करोड़ 40 करोड़ जनता हिंदुस्तान के गलियों में, रोड पर, सड़क पर आकर के उनके खिलाफ मुजाहरा करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, एजिटेशन करेगा। तो यकीनन उनको ये काला कानून सीए वापस लेना पड़ेगा, एनपीआर वापस लेना पड़ेगा। एनपीआर क्या है साहब? हम कहते हैं कि ठीक है, सेंसस करो, हर 10 साल में सेंसस होता है, कौन मना करता है? जब सेंसस होता है
जब सेंसस किया जाता है हर 10 साल में, तो उसमें जो बुनियादी सवाल है वो पूछा जाता है। मर्दमशुमारी का, जनगणना का कौन अपोज करता है? हम लबैक करते हैं, हर गवर्नमेंट 10 साल में कराती है, हमको करना चाहिए, हम करेंगे। लेकिन जब ये नरेंद्र मोदी की सरकार की सोच में, नीयत में खोट होती है, जब उस एनपीआर को एक बैक डोर से एक मजबूत एनआरसी लाने के लिए उनको पेश किया जाता है और 6 ऐसे सवाल उसमें डाला जाता है जो सवाल गैर आईनी है, जो सवाल का इस मर्दमशुमारी से, इस सेंसस से, इस जनगणना से कोई लेना देना नहीं है, तो हम उन एनपीआर को क्यों मानेंगे? हम एनपीआर को भी बायकॉट करते हैं, हम सीए को भी बायकॉट करते हैं, हम एनआरसी को बायकॉट करते हैं। आपने किच्छा सा सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, बड़ी बड़ी ONGC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हर दिन कैबिनेट मीटिंग करके बड़े बड़े कंपनी को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान का जनता चुप रहती है। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार हिंदुस्तान में बढ़ा दिया, हम चुप रहे। नरेंद्र मोदी ने एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दिया, हम चुप रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह पता है कि इस एनआरसी को अगर हम करने जाएंगे तो हमें कितने पैसे की जरूरत है। आसाम का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, आसाम एक छोटा सा स्टेट है, सिर्फ 3.4% टोटल पॉपुलेशन का है, उनको करने के लिए 1200 करोड़ रुपया खर्चा होता है और उसमें क्या निकल के आता है? खोदा पहाड़ निकला चुहिया। आप उसमें 1200 करोड़ रुपया आप बर्बाद करते हैं और 19 लाख रुपया आपके एनआरसी के अंदर आता है, जिसमें आप देखा जाता है कि 15 लाख उसमें हिंदू भाई आते हैं और 4 लाख उसमें से मुसलमान आते हैं। आप हम लोग को बेवकूफ समझ के रखे हैं? आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं कि हिंदू को अलग कर लेंगे ताकि 80% हमारे तरफ हो जाएगा, 20% अगर मुसलमान हमारे साथ भी नहीं रहेगा तो हमें कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं तमाम हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिक से कहना चाहता हूं, दोस्तों हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 9% अग्री जाति और 91% पिछड़ी, पसमानदा, दबा, कुचला, गरीब, किसान, मजदूर की है। 9% आबादी वाले लोग इस मुल्क में रहना चाहते हैं और 91% के लोगों को यहां से निकालना चाहते हैं, ये इसकी लड़ाई है। ये लड़ाई हिंदू की है, न मुसलमान की है, न सिख की है, न ईसाई की है। और एक बात सुन लीजिए, अगर इस एनआरसी मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए तो मैं आपको डेटा देता हूं, आसाम की डेटा को अगर हम कोरिलेट करें तो 60 लाख करोड़ रुपया चाहिए एनआरसी करने के लिए। अगर 60 लाख करोड़ रुपया हम इसको करने के लिए लागू करेंगे तो हमारा मुल्क का इकोनॉमी कहां जाएगा? हमारा मुल्क का जीडीपी आज आप जानते हैं कि 2% पे आ चुका है। क्या करना चाहते हैं लोग? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आज जॉब्स नहीं है, इंप्लॉयमेंट नहीं है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, रोजगार के नाम पर नौजवान रोड और सड़क पर है, 30 करोड़ नौजवान इस मुल्क में रहते हैं। नरेंद्र मोदी, जिन नौजवानों ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया 2014 में और 2019 में, यकीनन तुम्हारे इस काला कानून से वही तमाम नौजवान अगले इलेक्शन में तुमको दिल्ली की गद्दी से हटाएगा। और जब तक तुम सीए, एनसीआर और एनपीआर जैसे जुल्म और काले कानून को वापस नहीं करोगे, तब तक ये प्रोटेस्ट जिंदा रहेगा, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और अब यहाँ का जनता जग चुका है, अब नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को गद्दी से उतरना पड़ेगा, उनको देश से हम लोग भगाएंगे। तुम हमसे दस्तावेज पूछते हो, हमारी हिस्ट्री आप जानते हैं, आज हिंदुस्तान की आजादी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का जो कुर्बानी है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो तमाम लोग जानते हैं। लाल किला में वो पेड़ आज भी जिंदा है, वो पेड़ आज भी गवाही के तौर पे मौजूद है, न जाने वहां पर कितने मुसलमानों को, कितने सिख को, कितने कितने लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। हमारा आदर्श कौन है? 130 करोड़ जनता का आदर्श भगत सिंह है, बिस्मिल प्रसाद है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, मौलाना आजाद है, वल्लभ भाई पटेल है। तुम्हारा आदर्श ग्वालकर है, तुम्हारा आदर्श सावरकर है। हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, हम अशफाकुल्ला खान के मानने वाले हैं, हमारे लिए वही सबूत है, हमारे लिए वही दस्तावेज है, क्योंकि इन तमाम लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान दिया। तुम बताओ मोदी और अमित शाह, तुम्हारे लोगों ने कितनी बलि दी, तुम्हारे लोगों ने कितने लोगों को शहीद किया, तुम्हारे लोगों ने कितनी शहादत दी, जिससे आज तुम हमसे
दस्तावेज मांगते हो। यकीनन हम लोगों से अपील करते हैं कि एनपीआर का मामला हो या एनआरसी का मामला हो या सीए का मामला हो, अगर कोई ऑफिसर कोई आकर के आपके घर में कोई दस्तावेज मांगे, कोई पूछताछ करे, उसको बायकॉट करना है, कोई दस्तावेज पेश नहीं करना है। यकीनन इस तरह से एक माहौल बनेगा और ये माहौल बहुत अच्छा बन चुका है। पूरे देश व्यापी तौर पर यह आंदोलन खड़ा हो चुका है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी इस वाले कानून को वापस